खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में साल 2019 में पुलिस को मिली सफलता और सबसे कम कैजुअल्टी होने से उत्साहित पुलिस फोर्स ने नए साल के लिए भी खास एक्शन प्लान तैयार किया है। बस्तर के डीआईजी ने या उनके मुताबिक 2020 में टॉप कैडर के माओवादियों को गिरफ्तार करने या फिर उन्हें सरेंडर कराने पर जोर दिया जाएगा, जिससे कि उनके नीचे वाले कैडर का मनोबल टूट सके और बस्तर में नक्सली संगठन कमजोर हो सके। इसके अलावा कम्युनिटी पुलिसिंग में भी खास फोकस करने के साथ ही जन सुरक्षा के लिए जरूरत के मुताबिक नए पुलिस कैंप खोले जाने पर भी काम किया जाएगा। वही उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग की बेरुखी हरिद्वार